नहीं जला। रावण को भी राम समझना था। या तो युवा रहता है या फिर भूतपूर्व युवा रहता है। पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आया था वो आपका पति है क्या? और आधे घंटे में आके पूछती थी कि घंटी बजाई क्या? क्या करें जब कोई चेहरा ही बुलाने लग जाए। हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिस आईटीएन एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज का वीडियो है वो कवि सम्मेलन से रिलेटेड होने वाला है और ये इवेंट था वो वन ऑफ बेस्ट इवेंट था जो मुझे पसंद आया और काफ़ी लोगों की तालियां देख के लग रहा था कि उन्हें भी बहुत पसंद आया ये। सो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। चौथी पंक्ति में बजाना समझ में आए तो, और नहीं समझ में आए तो इसलिए बजाना कि पड़ोस में जो लड़की बैठी उसको समझ में आना चाहिए कि इस भंडु को भी समझ में आ रहा है। मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे का कुरार है, वेनसडे को चेटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है, ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पड़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है, सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में था। प्यार शाश्वत था भगवान श्री राम का। अब आप देखो ना, मैं दुल्हन ना मैं पालकी में आ सकता हूँ ना मुझे देख के कोई बह सकता है, लेकिन चार चार पंक्तियों से आपका समर्थन जिस तरह का बना हुआ है, आपकी अनुमति चाहता हूँ एक बार तालियां बजाइए। मैं आपको तेरे बरस बिताए के हमने जितने बरस बिताए हैं सब तेरी याद के ही साए हैं, सब तेरी याद के ही साए हैं, हमने जितने बरस बिताए हैं के अपने सपनों का घर जलाया है पर तेरे खत नहीं जला। उछाल लेती है कि जैसे नदियां उछाल लेती है, सारे रास्ते निकाल लेती है के कोई लड़का जो लड़ खड़ाता है एक लड़की संभाल ले। अपने सम्मान में आप ताली बजाइए। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, वरना लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। हिंदुस्तानी होने का जो गौरव हमें देते हैं, मुझे नदीम रामपुरी की चार पंक्तियां याद आ रही हैं, आज उनकी अगवानी में रखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में लोग, राजनीति में काम करने वाले तमाम बड़े लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या करते हैं वो जाने, लेकिन हमारे कविता हमारी शायरी में अपना जीवन देने वाले लोग, 19-20 साल का एक नौजवान शायर नदीम रामपुरी लिखता है कि बस इसी उद्देश्य वश सरकर खड़ा दीवार से भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आहट मिले, प्रेम उपासक उर की बस ये कामना है ए नदीम, तुस्सा कोई नटवर मिले तुस्सा कोई नटखट मिले। ये हिंदुस्तान का मुस्लिम शायर लिखता है। आपकी तालियां कमजोर है, एक बार उसके लिए आपकी तालियां बननी चाहिए। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। गीले बालों को मत सुखाया कर, आंख फिर वक्त पर नहीं खुलती,
आंख फिर वक्त पर नहीं खुलती, अपनी बाहों में मत सुलाया जाए। जाने किस किस को छू के आते हैं, हाथ लड़कों से मत मिलाया जाए। सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहे। हम उस देवी से मिलते हैं तो अक्सर सोचते हैं किसी पापी को ये प्रसाद वितरित हो रहा है। पक्षी जो गुंजन कर रहा है वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। नदी के शांत तट पर बैठकर मन, नदी के शांत तट पर बैठकर मन तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। इस मंच का संचालन कर रहे जनाब शशिकांत यादव साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने कलाम के निभाए। अंदर वही है जो तुम्हारे हैं। हिंदुस्तान में आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, वो या तो युवा रहता है या फिर भूतपूर्व युवा रहता है। अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, स्कूल कॉलेज ट्रेन प्लेन कवि सम्मेलन, लेकिन कभी बंद नहीं थे। हम ऑनलाइन कवि सम्मेलन कर रहे थे, इधर अकाउंट में पैसे आए, इधर शुरू वो खर्चा आधा ऊपर, केवल ये कुर्ता जैकेट, नीचे बरमूडा। ऑनलाइन क्लास चल रही, देखो आप शिक्षा व्यवस्था की क्या दुर्व्यवस्था है हिंदुस्तान में, और ये बच्चे कितने तेज हैं। ऑनलाइन क्लास चल रही, मैडम ने 60 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैडम ने पूछा एनी डाउट, तो मेरे 11 साल के बेटे ने पूछा मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आया था वो आपका पति है क्या? उस समय तो मोबाइल थे नहीं, बोले बेटा मैं हरिद्वार से घंटी ले आया था, जब भी तेरी दादी से मिलना होता था तो घंटी बजाता था, तो दादी आ जाती थी, तो मैंने कहा तो वन वे ट्रैफिक है, अगर दादी को मिलना हो तो। तो बोले बेटा वो तो हर आधे घंटे में आके पूछती थी कि घंटी बजाई क्या। हिंदुस्तान का पति कितने ही महान हो जाए, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कवि हो जाए, कलाकार हो जाए, डीन हो जाए, डायरेक्टर हो जाए, ये माइक वाला हो जाए, ये फोटोग्राफर हो जाए, वो घर के बाहर ही विवेकानंद है। घर में घुसते श्रीमती जी एक ही बात कहती कि आप नक्कल नहीं, और वो बेचारा मासूमियत से मुंडी हिलाकर स्वीकार करता, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह करता। अच्छा इसमें पति पत्नी जोड़े से ताली बजा रहे, बताओ इनको ऐसा लगा कि इसको कैसे मालूम पड़ा, लेकिन ये घर घर की कहानी है। अभी मैं आज सुबह की फ्लाइट से आया हूँ दिल्ली, तो मैं घर से निकला तो पत्नी से कहा जरा आधा ग्लास पानी देना, बोले क्यों प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं चेक करना है, गला लीक तो नहीं कर रहा था। हिंदुस्तान की पत्नी से कोई नहीं पढ़ सकता, ये शादीशुदा लोगों की बहुत दुर्गति है घर में। तुम अभी सुखी हो कि माँ की गरम गरम खा रहे हो? हमारी पत्नियां तो रोटी बनाती है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की है। क्या कर रहे हो, हम रात में 2 बजे कविता सुना के घर जाते हैं तो दोनों रोटी हम ही को गरम करके खिला देते हैं।
ताकि बेचारा पति गाय सरी की गर्दन डाले रहे और क्या श्रद्धा से ताली बजा रहे हो हमारे पतियों। मैं खुशबीर सिंह शाह साहब की अगवानी में केवल चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहीं पर लिखा था कि अलग बात है वो खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अपनी मर्जी से पलटती तो नहीं है आंखें, क्या करें जब कोई चेहरा ही बुलाने लग जाए। बहुत दिनों से मेरे बामों दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। और ये शेर, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी सर का हिस्सा। करिए आपको एक अभी सम्मेलन अच्छा लगा हो तो अपने मैनेजमेंट के सम्मान में एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए और आवाज़ साहब से निवेदन करिए कि हर साल ये इवेंट आपके यहाँ होना चाहिए। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। सो हाय गाइज, होप सो आपको कवि सम्मेलन वाला इवेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस इवेंट में, और लोगों को देख के, लोगों की तालियां देख के भी लग रहा था कि उनको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। सो मैं आपको जो अलग अलग इवेंट्स के वीडियो दे रही हूँ, होप सो आप उनको एंजॉय कर रहे होंगे। व्लॉग वीडियो भी आएंगे, लेकिन वो एक दो वीडियो और अपलोड करने के बाद आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मिस आईटीएन। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।